हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं टू कलर से आपको राउंड शेप में डिजाइनर डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप इसे डोरमेट बना के भी यूज कर सकते हो, टेबल मैट भी बना सकते हो, पूजा का आसन भी बना सकते हो। आज मैं इस डिजाइन को वूल से बताऊंगी, आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो। देखिए, इसके लिए फ्रेंड्स मैंने 9 नंबर के नीडल्स का मैंने यूज किया है, और ये मेरे पास पतली ऊन थी पुरानी, तो मैंने इसको डबल किया है। अगर आपके पास सिंगल है, मोटी है, तो आप सिंगल से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें एक ऐसे स्लिप नोट लगा लेंगे। एक फंदा हमारा नोट से हो गया। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके के मैं आपको फंदे बताऊंगी। देखिए, एक हमारा नोट से हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंदे मैंने ये डाल दिए। आप जोड़े से फंदे डालिएगा फ्रेंड्स। आपको जितना भी बड़ा आपको बनाना है, उतना ही बड़ा आप इसे बना सकते हो। ये देखिए, बीच में मैं इसमें वाइट से फंदे डालूंगी। देखिए, आप बिना नोट के फंदे भी डाल सकते हो। पहले मैंने नोट लगाई थी, थोड़ा छोटा ही थ्रेड लेंगे क्योंकि हमने 10 ही फंदे डालने हैं। ये देखिए, हम ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 फंदे हमारे ये हो गए। ये देखिए, 20 फंदे हो गए। 10 फंदे और मैं डालूंगी फ्रेंड्स, ब्लू से डालूंगी। लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर ये नीचे वाला जो थ्रेड है, ये नहीं लेके आऊंगी। यहाँ पे मैंने एक और अलग से मैं इसमें लगाऊंगी। देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 30 फंदे ये हमारे हो गए। ये देखिए, अब देखिए हम इसमें अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो बहुत ही आप आराम से बनाइएगा, क्योंकि हमने आपस में सारे ही कलर ज्वाइंट करने हैं। ये देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 फंदे बनाने के बाद देखिए, इसको आपने, इस थ्रेड को आपने ऐसे ऊपर से लेना है, और ये हम नीचे से लेके आएंगे ऊपर, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस लग जाएगा ऐसे जब हम बनाएंगे। ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए। बस आपने ये देखना कि थ्रेड को हमने कैसे क्रॉस करना है, दोनों साइड से हमने इसको क्रॉस करना है, तभी हमारे में डिजाइन में फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, ये फंदे भी हमने 10 फंदे सारे बना लिए। अब फिर से देखिए, हमने इसको ऐसे ऊपर से करना है, और ये वाला थ्रेड हम नीचे से ऐसे लेके आएंगे। इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए, ताकि बीच में बिल्कुल हमारा गैप ना रहे। ध्यान से देखिए, ये बना ली हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हम इसमें बनाएंगे। 10 थे, 2 फंदे हमने छोड़ दिए। अब देखिए, ऐसे हम इसको पलट लेंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस रो को आप, ये पूरा मैं रो उतार के दिखाऊंगी, आपने हर बार इसी तरीके से आपने करनी है। ये देखिए, फर्स्ट वाले को उतार लेंगे ताकि यहाँ पे गैप ना आए। अब देखिए, इस साइड से भी हमने थ्रेड को क्रॉस करना है। कैसे करना है वो आप देख लीजिए एक बार।
इस रो में हमारा अच्छे से ज्वाइंट लग जाएगा। ये देखिए, इसको हम पीछे कर देंगे और पीछे से वाइट को ऐसे खींच लीजिए, क्योंकि ये लूज हो गया, और ऐसे हम आगे ले लेंगे क्रॉस करके। पीछे से हमने क्रॉस किया है और अब हम ये फंदे बना देंगे। बनेगा दोनों साइड से उल्टा, लेकिन ये हमारी फ्रेंड्स इस साइड से ये हमारी सीधी साइड बनेगी। जो जिस कलर का फंदा होगा आपने उसी कलर से इसको बनाना है। ये देखिए, इसको फिर से हम पीछे कर देंगे और पीछे से ऐसे टाइट करके ऐसे क्रॉस करके हम आगे लेके आएंगे। ध्यान से देखिए, और ये भी हम बना देंगे। नौ फंदे फ्रेंड्स हम उल्टे बनाएंगे। किनारे का दसवां फंदा हम थ्रेड को पीछे करके इसको हम सीधा बना देंगे, क्योंकि इससे हमारे किनारे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, ज्वाइंट हमारा लग गया है। फिर से देखिए, अब हमारे जल्दी जल्दी बनके कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट वाले को हम इस साइड से हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। इसको हम एक साइड से बनाएंगे, एक साइड से ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए, ये दस फंदे मैं उल्टे उल्टे बना लूँगी। बहुत सिंपल डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत सुंदर इसकी लुक आएगी। अब देखिए, इसको हमने थ्रेड को ऐसे करना है और इससे हमने ऐसे बनाना है, तो हमारा यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। जैसे हम सुई से सिलाई करते हैं ऐसा ही हमारा ये सिलता चला जाएगा। ध्यान से देखिए, ये दस फंदे भी हमने बना लिए वाइट कलर के। दस दस फंदे मैंने डाल लिए हैं। आप यहाँ पे आठ आठ फंदे का भी बना सकते हो, बारह बारह फंदे का भी बना सकते हो जोड़े से। फिर से मैंने यहाँ पे क्रॉस कर लिया। देखिए, एक दो तीन चार पाँच, इस बार मैं छः फंदे बनाऊँगी। दो फंदे मैं फिर से छोड़ दूँगी और मैं यहीं से पलट जाऊँगी सीधी साइड से। फ्रेंड जो जैसा है वैसा ही मैं बनाऊँगी और यहाँ से मैं फंदे को क्रॉस कर लूँगी और लास्ट वाले फंदे को मैं इसको सीधा बना दूंगी। तो मैं इस रो को कंप्लीट करके अगली रो से फिर से मैं आपको एक बार बताऊंगी। देखिए, किनारे वाले को आप ऐसे सीधा बना दीजिए तो यहाँ से एक छोटी सी बनती जाएगी। ये देखिए, एक बार फिर से देखिए, इस साइड से हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स जो हमने लास्ट में जो भी आप जितने भी आप फंदे डालो, दस डालो या आठ डालो या बारह डालो, वो हमने दो दो करके छोड़ने हैं। ये देखिए, फिर से हमने क्रॉस कर लिया। फर्स्ट वाले पार्ट के ही हमने दो दो करके फंदे छोड़ने हैं। तो मैं वो दस फंदे चार मैंने छोड़ लिए, ऐसे ही मैं दो दो करके सारे ही फंदे छोड़ दूँगी। यहाँ तक मैं ये सारे फंदे छोड़ूँगी। एक बार मैं आपको और दिखा दूं, एक दो तीन चार, ये दो फंदे मैंने फिर से छोड़ दिए और दो बार भी मैं दो दो करके ये फंदे छोड़ दूंगी यहाँ तक। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। सेम इसी प्रोसेस को मैंने रिपीट करना है। ये दस फंदे मैंने बनाऊंगी, थ्रेड को यहाँ से क्रॉस करूँगी, किनारे वाला सीधा बनाऊँगी और दो फंदे पीछे छोड़ दूँगी। तो मैं चार फंदे भी छोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए, ये दस के दस फंदे हमने दो दो करके यहाँ तक छोड़ दिए हैं। ये देखिए, ऊपर से हमारा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इसमें हम कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे दोनों पार्ट में, सिर्फ हम फर्स्ट वाले पार्ट में ही हम नीचे वाले में फंदे छोड़ेंगे, आपने जितने भी फंदे डाले हों। अब देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको फिनिशिंग इसमें दिखाई देगी। ये हम अब दस फंदे ऐसे ही बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा डिज़ाइन में, ध्यान से देखिएगा।
इसको ऐसे क्रॉस करने से ये देखिए ऐसी हमारे पीछे से लुक आएगी और सामने से बिल्कुल भी गैप नज़र नहीं आएगा। अब जैसे फंदे फ्रेंड्स हमने छोटे थे, अब दो दो फंदे हम ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करते जाएंगे। ध्यान से देखिए ऐसे फिर से क्रॉस कर लेंगे और ये दो फंदे हम इसमें ऐड कर लेंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। सीधी साइड से जो जैसा है वैसा ही मैं इसे बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ऊपर से मैंने इस साइड से भी सारे फंदे मैंने ये बना लिए हैं। देखिए दो फंदे हमने पहली बार ये ऐड कर लिए थे, इसमें दो फंदे आगे से और ऐड कर लेंगे। और अगर आपको बीच में गैप लगे तो आप ऐसे गैपिंग ख़त्म कर सकते हो, बीच में से फंदा उठा के फिर आपने दो का एक करना है। देखिए दो फंदे फिर से ऐड कर लिए, यहीं से मुड़ जाएंगे, दो दो करके सारे फंदे हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो मैं इसे कर लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए दो दो करके सारे फंदे ऐड कर लिए, लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आई है। अब देखिए लास्ट वाला फंदा भी मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि बिगिनर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए बनाने में। देखिए ये 10 फंदे मैं बना लूँगी। हर बार की तरह हम ऐसे थ्रेड को क्रॉस करेंगे और 10 फंदे में ये भी बना लूँगी। फिर से हम थ्रेड को क्रॉस करेंगे, दोनों साइड से फ्रेंड्स आपने इसको क्रॉस करना है। ये देखिए और जो भी बीच में गैप था तो हमने देखिए फंदा उठा के गैप को साथ साथ भर लिया है। ये लास्ट के दो फंदे हैं, ये भी हम बना लेंगे। ये देखिए इस साइड से इस रो को मैं बना के जो जिस कलर का है वैसे ही मैं बना के इसे कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स एक बार का हमारा ये कली बन के कम्प्लीट हो गई ये डिज़ाइन। तो अब देखिए अब हमने अपने कलर को चेंज करना है। अब हमारे दो बॉक्स ब्लू के थे, एक हमारा ये वाइट का था, अब हमारे दो वाइट के हो जाएंगे और ये बीच वाला हमारा ये ब्लू का हो जाएगा। तो कैसे हम कलर चेंज करेंगे देखिए, आपने वाइट के भी दो कलर लगाने पड़ेंगे। ये देखिए इसको हम आगे ले आएंगे, थोड़ा सा लूज रखिएगा आप इसको और इसको आप ऐसे टाइट करके अंदर की साइड कर लीजिए। ये देखिए दो तीन, और ये फ्रेंड्स अगर आप ऐसे बनाओ तो ऐसे आप इसको बना लीजिए ताकि बैक साइड से बहुत सफाई से बने और हमारे थ्रेड लंबा ना छूटे। ये देखिए फिर से हम इसको ऐसे लेके और इसके नीचे से ऐसे हम इसको ले लेंगे और ऐसे हम इसको बनाएंगे इसके नीचे से ऐसे निकाल के। तो देखिए बिल्कुल ये इसके साथ साथ है हो जाएगा हमारा। एक बार लास्ट बार अगर लेना चाहो तो ले लेना। ये देखिए तो ये 10 फंदे, ये देखिए बिल्कुल भी थ्रेड आपका ऐसे बैक साइड से दिखाई नहीं देगा। 10 फंदे मैंने वाइट के बना लिए। ये जो हमारा वाइट है यहाँ पे हम ब्लू लगाएंगे। ये थ्रेड मैं यहाँ ले आती हूँ, इसी तरीके से हम इसको ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए इसके नीचे से आप ऐसे करके ऐसे आप इसको बना लीजिए। ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस रो में हम अपना कलर सेट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये वाइट हम इस साइड लेके आएंगे तो फिर हमें ये इस साइड लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक वाइट एक और हम यहाँ पे लगा लेंगे। इसकी आप यहाँ पे नोट लगा लीजिए, इसके अंदर दबा के थोड़ा सा आप इसको पक्का करके बाद में थ्रेड को काट दीजिए, बिल्कुल हमारा ये अंदर पक्का हो जाएगा। अब देखिए
इस बार हम कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जैसे हमने फंदे डाले थे ये वो फर्स्ट वाली रो है ये आप मान लीजिए। तो इस रो में हमने अपने कलर सेट कर लिए। इस साइड से भी मैं इस रो को ऐसे ही बनाऊंगी जो जिस कलर का है। अगली रो से फिर हम इसमें अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए इसी तरीके से आपने इसको बनाना है और थ्रेड को आपने क्रॉस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नहीं तो बीच में हमारा गैप बन जाएगा। ये देखिए ऐसे आपने पीछे करके, पीछे से ब्लू आपने ऐसे खींच के लेके आना है और फिर हम इसको बना देंगे। तो मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स कलर हमने इसमें सेट कर लिया है। फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। दो दो फंदे हम नीचे से छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसको आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। ये देखिए 10 फंदे हम ये वाइट से बना लेंगे। इस साइड फिर से हम क्रॉस करेंगे। ये देखिए बैक साइड से भी बहुत ही सफाई के साथ ये बनके हमारा कंप्लीट होगा। इसी तरीके से आपने बनाना है। देखिए इस साइड से फिर से हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे। देखिए 8 फंदे हम बनाएंगे, 2 फंदे हम पीछे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। फ्रेंड्स पहले हम फंदे सारे छोड़ देंगे, फिर हम वापस ले लेंगे। उसके बाद जैसे हमारे नीचे कलर हैं ऐसे ही हमने इसमें कलर फिर से सेट करने हैं। ये देखिए वाइट की जगह हमारा ब्लू आ जाएगा, ब्लू की जगह हमारा वाइट आ जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट कली बनाई थी बिल्कुल सेम आपने थर्ड कली बनानी है। इसी तरीके से आपने इसमें कलर चेंज करते जाना है और आप इसे बनाते जाना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बना के इसे कंप्लीट कर लिया। बहुत सुंदर इसकी लुक आई है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।